बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसीलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता, कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। समाज को सुधारने के लिए वे लोगों से कहा करते थे कि महिलाओं और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। जब नीतीश कुमार जी को सेवा का मौका मिला तो बाबा साहेब के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला किया। नीतीश कुमार जी जानते थे कि समाज का विकास शिक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है। इसे जमीनी स्तर पर लागू करते हुए उन्होंने बड़े पैमानों पर शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ नए विद्यालयों का निर्माण एवं उनका उन्नयन किया। उच्च शिक्षा के विकास के लिए ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों की नई कतार खड़ी कर दी। सभी को शिक्षा सुलभ करने के लिए उन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे धन की कमी कभी बाधा न बने, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना हो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कदम कदम पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया, चाहे वो 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा हो या सिविल सर्विसेज। आधी आबादी के सपनों को साकार करने और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए अनेकों कदम उठाए हैं, चाहे वह राजनीति हो या सरकारी नौकरी। हर जगह उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर रोजगार और शासन में हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को शिक्षा के नए अवसर देकर समाज में महिलाओं का परिदृश्य बदल डाला। साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना आदि ने मानो लड़कियों को पंख लगा दिया है और वो उड़ने को तैयार हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने बहुआयामी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर बिहार की महिलाओं का परिदृश्य बदल दिया, जिससे बिहार अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर उभरा है। नीतीश कुमार जी की योजनाओं के सफलता को देखते हुए अब अन्य राज्य भी इसका अनुकरण कर रहे हैं।